अच्छा, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूटिलिटी। मेन मेन्यू में यूटिलिटी को क्लिक करें तो इसमें कुछ ऑप्शन है ये सामने। ये पहला वाला ऑप्शन जो है ये रियल टाइम कैमरा है। कैमरा का मतलब क्या है कि जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, कौन से साइड से देखते हैं, कौन सी हाइट पे देखते हैं, तो वो इधर से हम सेट कर सकते हैं। तो सपोज ये हमारे पास जो पर्सपेक्टिव में देखा तो ये एक डिज़ाइन है जो हमने पहले से कुछ टेरेन स्लोप वगैरह बनाए हैं। तो अभी इधर हम सपोज ट्री लग रखते हैं, इसमें हम दरख्त लगाते हैं। ये लैंडस्केप है, लैंडस्केप में मैं जाता हूँ प्लांट पे। प्लांट में इधर कोई दरख्त सेलेक्ट करता हूँ और फिर इधर से मैं ट्री सेलेक्ट करता हूँ। इसमें से सपोज ये एक ट्रीज है, ये ट्री में इधर करता हूँ। अच्छा, फिर एक शर्प सेलेक्ट करता हूँ, इसमें जाता हूँ शर्प में और शर्प से ये सेलेक्ट करता हूँ, ये मैं इधर रखता हूँ। तो राइट क्लिक करके कॉपी, फिर लेफ्ट क्लिक करके पेस्ट, फिर ये दूसरा वाला इस तरफ रहता हूँ। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि हम कैमरा कैसे लगाते हैं। तो कैमरे का फंक्शन हम जानना चाहते हैं तो ये यूटिलिटी में जाते हैं और ये कैमरा हम क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक। अभी कैमरा हम कौन कौन से जगह पे रखना चाहते हैं, जहाँ से हम ये अपने डिज़ाइन का व्यू देखना चाहते हैं। तो सपोज ये मैंने इधर रखा, कैमरे का दूसरा पॉइंट ये है, कैमरे का तीसरा पॉइंट सपोज ये है। जब मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये तीन पॉइंट्स कैमरे के बन गए। अच्छा, अभी कैमरा के जो पॉइंट्स है, ये जो आपके लेफ्ट साइड में ये प्रीव्यू है, ये इसको आप इधर से मूव करके मुख्तलिफ साइड पे देख सकते हैं, इधर से भी मूव कर सकते हैं। अगर आप देखें तो उधर जो कैमरा जहाँ से स्टार्ट हुआ है उधर इस तरह नज़र आता है, फिर आप घुमाते हैं तो ये मुख्तलिफ इस तरफ, जब इस तरफ आता है तो इधर से ये लुक इस तरह नज़र आएगा। आगे जाएंगे तो कैमरा तो ये इधर तक, ये आपका जो स्लोप टेरन वगैरह इस तरह नज़र आएंगे या दूसरा डिज़ाइन है। तो अभी इसमें हम इसके पॉइंट्स एडिट कर सकते हैं। मसलन ये पॉइंट है, ये पहला वाला पॉइंट है, ये पहला वाला पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं इसकी एलिवेशन की। हम ऊपर से देखें तो हम इस तरह हमें नज़र आएगा, ठीक है। इसकी हम डायरेक्शन चेंज करें तो ये हम ये इस एंगल से हम देखेंगे इस तरह एंगल इसकी कौन से एंगल है और कौन से साइड से, डायरेक्शन मतलब साइड से। तो ये मसलन इस तरह, इस पॉइंट से हमारा डिज़ाइन इस तरह नज़र आएगा। तो इसमें हम कुछ और पॉइंट्स बिठा सकते हैं जहाँ से हम कैमरा से देखें। ये एक कैमरा हो गया, दूसरा कैमरा भी हम कैमरा नंबर टू, ये कैमरा नंबर वन है और कैमरा नंबर टू भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जब हम प्रीव्यू में जाते हैं, वॉक थ्रू में, ये हम देख सकते हैं तो ये डिज़ाइन किस तरह नज़र आएगा। वॉक थ्रू में जाएँ और इसको ओके करें। तो ये तो टेरेन वाला जो जगह है वो कैमरे वाला दूसरा साइड है।
बहरहाल ये कैमरा जो है ना, ये बाद में जब हम मूवी बनाते हैं तो उसमें ये हमारा हेल्प करेगा। अब भी हमें ये कैमरा से ये जिसका कौन कौन से डायरेक्शन से ये किस तरह नजर आता है, ये भी हमें मालूम पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है 3D टेक्स। 3D टेक्स का मतलब ये है कि आम टेक्स तो आप प्लेन पे डाल सकते हैं, 3D मतलब आप मतलब ऊपर किसी बिल्डिंग के ऊपर, दरख्त के सामने, या कोई साइन बोर्ड है उसके सामने आप कुछ लिखना चाहते हैं तो 3D फॉर्म में हो। तो इधर से क्लिक करते हैं, सामने स्क्रीन पे ये क्लिक करते हैं तो हमें टेक्स्ट 3D टेक्स्ट लिखा होता है उधर, उसी जगह पे आप अपना कोई लिखे, मसलन आप लिखें गार्डन सेंटर। इधर से ओके क्लिक करें तो ये सामने गार्डन सेंटर हो गया, लिखा है, क्लोज करें। अभी ये पर्सपेक्टिव में देखें तो ये है, मतलब 3D 3D व्यू है। अच्छा, अभी 3D व्यू आपको आप मुख्तलिफ डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, इस तरह और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ फीचर, इसके हाइट वगैरह, इधर से भी डेप्थ, टेंट एंगल, एलिवेशन, ये कितना ऊपर होना चाहिए, मसलन बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के सामने ये किस तरह हो, कितने हाइट पे हो, तो ये हम इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हमें 3D में इसके डायमेंशन, मसलन कोई बिल्डिंग है, दरख्त हमने इंसर्ट किया है तो वो दरख्त या जो बिल्डिंग है उसके, क्लोज करता हूँ ये। अच्छा, अभी ये जो दरख्त है इसकी मैं 3D डायमेंशन लेना चाहता हूँ, तो 3D डायमेंशन कैसे रहेंगे, ये ऊपर जो आइकॉन है ये ऑप्शन, ये क्लिक करता हूँ और इस दरख्त का इधर से इधर तक ही मैं लेना चाहता हूँ, इधर आएंगे लेफ्ट क्लिक करें तो ये 22 फुट है, 4 इंच है। इस तरह अगर इसकी ऊंचाई हम मालूम करना चाहते हैं तो इधर क्लिक करें, ये इधर से इधर तक, तो ये 167 फीट ऊंचा दरख्त है। इस तरह अगर बिल्डिंग का आप मालूम कर, मतलब 3D में आप जो डायमेंशन लेना चाहते हैं उसके लिए ये ऑप्शन है। इसके अलावा अगला ऑप्शन जो है हमारे पास ये ओवरले है। ओवरले का मतलब ये है कि जब हम किसी ड्राइंग या डिज़ाइन या पिक्चर्स उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। सपोज हमें इस जगह पे, इसमें सपोज कोई नहीं है और हम चाहते हैं कि इस जगह पे, सपोज ये मैं डिलीट करता हूँ, इस जगह पे हमें एक लार्ड या ड्राइंग चाहिए, ये क्लिक करता हूँ, इधर से ये क्लिक करता हूँ, और फिर इधर हमारे पास ओवरले में ये एक ड्राइंग पड़ा। ये ड्राइंग भी किधर से, ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैं अगले क्लास में आपको वो बताऊँगा कि बाहर से आप कोई ड्राइंग किस तरह इंपोर्ट करेंगे। तो इधर ओवरले में ऑलरेडी पड़ा है, ये फ्लोर प्लान है, इसको डबल क्लिक करते हैं, ये फ्लोर प्लान इधर आ गया। अच्छा, अभी ये फ्लोर प्लान अगर आप, ये जो एग्जिस्टिंग है वही डायमेंशन है जो हम एक्चुअल ये प्लान का है, तो 20x14 है। अगर हम इसको बड़ा छोटा करते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो डिज़ाइन आपने बनाया है उधर से लाया है उसकी जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं की जाए। अभी इसके ऊपर आप लैंडस्केप में कोई भी ड्राइंग बनाना चाहते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मतलब ड्राइंग बनाने के लिए एक बैकग्राउंड है, एक पिक्चर है जिसके ऊपर आप ड्राइंग बनाते हैं। अच्छा, लॉट बाउंड्री का मतलब ये है कि आप जहाँ काम करते हैं, सपोज इस एरिया में आप डिजाइनिंग करते हैं तो ये एरिया आपका एक लॉट है, 120x80, और ये आपका प्लाट प्लाट साइज है, इस प्लाट के अंदर आप अपना डिजाइन बनाते हैं। अच्छा, फिर कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को क्लिक करें तो आप के लैंडस्केपिंग में कोई कैरेक्टर, कोई आदमी
मूविंग फॉर्म में हो वो डालना चाहते हैं, तो सपोज ये बॉय नंबर वन, ये मैं इधर सेट किया। अभी बॉय नंबर वन जो है ना, ये एक आदमी है, पार्क है जो लैंडस्केप एरिया, उसमें ये घूमता करता है। तो अभी हमें इसकी, अच्छा इसकी चेंज इधर से कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो हम इधर से एनिमेशन क्लिक करें, इसके नीचे कुछ ऑप्शन है कि ये स्टैंडिंग फॉर्म में है या वॉकिंग करता है ये लड़का, या चेयर पे बैठा है। तो अभी सपोज ये जॉगिंग करता है, तो जॉगिंग करता है, तो ये जॉगिंग करने के लिए इसका प्रीव्यू भी देखें, इधर ये क्लिक करें तो उधर सामने ये नज़र आता है। इसको थोड़ा तो क्लोज करें, इधर से इधर तक ये जॉगिंग करता है। अच्छा इसको फिर अनचेक करते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है। बहरहाल जब इसका मूवी बनेगा तो उसमें ये आदमी मूविंग कंडीशन में होगा। फिर इसके पॉइंट्स हम एडिट कर सकते हैं, ये इधर है, इसमें और पॉइंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट पॉइंट इधर, या ये पॉइंट हम इधर इधर से जब ग्रेड हो जाए फिर इसको पकड़ के इधर से इधर ला सकते हैं। अभी इसका प्रीव्यू देखते हैं, ये उधर से स्टार्ट होगा इधर तक आएगा, इसको पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ये लड़का क्या करता है, ये उस पॉइंट से आता है और इस तरफ जाता है, तो ये जॉगिंग करता है। अगर इसको मैं चेंज कर दूं, इसको मैं वॉकिंग कर दूं, तो ये वॉक करता है। इसको मैं सिटिंग ऑन द ग्राउंड कर दूं, तो ये बस इस तरह बैठा है, चेयर पे बैठा सकता हूँ। इसको कितने एलिवेशन पर रखता हूँ, मतलब दूसरे फ्लोर पे तीसरे फ्लोर पे जाता है, तो उसको मुख्तलिफ हाइट में इसके चेंज कर सकते हैं। तो ये हुए आपके यूटिलिटी के अंदर जो जितने ऑप्शंस हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐसे हैं कि हमारे डिज़ाइन में हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं।